खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है, जबकि एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा के साथ 1,00,000 का जुर्माना लगाया है। दो आरोपियों की पैरवी राजीव सिंह सेरा कर रहे थे, जबकि एक आरोपी की अन्य विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कुठुलिया में 30/12/2013 को पुलिस ने सफेद कलर की सफारी गाड़ी में 90 किलो गांजा बरामद किया था, जिसमें तीन आरोपी बनाए गए थे। तीनों आरोपी सगे भाई हैं, जिनमें मोबीन खान, समीम खान और नसीम खान हैं। पकड़े गए आरोपियों में से समीम खान और नसीम खान की पैरवी उनके द्वारा की जा रही थी, जिन्हें साक्ष्य न मिलने पर न्यायालय ने बरी कर दिया है, जबकि तीसरे आरोपी मोबीन खान की पैरवी कोई अन्य अधिवक्ता के द्वारा की जा रही थी, जिन्हें 10 वर्ष का कारावास और 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। आइए सुनते हैं पूरी कार्यवाही और न्यायालय के आदेश पर अधिवक्ता ने क्या जानकारी दी है। आज एक मामले में एनडीपीएस जैसे धारा में आज आपने एक दोषी को फिर से दोष मुक्त कराया है, क्या मामला है पूरा? नहीं, दोषी शब्द यूज नहीं कर सकते आप, उसमें ये कह सकते हैं कि एक आरोपी बनाया गया था पुलिस के द्वारा और उसके चार्ज लग गए थे उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत, और उसके खिलाफ एलिगेशन ये था कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने वर्ष 2013 में 30/12/2013 को रात्रि के करीब 8 बजे आपका कुठुलिया के पास एक कार जो है आ रही थी, और उस कार से पुलिस ने तलाशी ली तो 90 किलो गांजा करीब पाया गया था, और 90 किलो गांजा पाया गया था, और 90 किलो गांजे में तीन मुलजिमान जो पुलिस ने बनाए थे, मोबीन खान, समीम खान और लल्लू, ये तीनों भाई हैं और ये आपके रह थाना चौहटा के रहने वाले हैं, और एक कार बरामद की थी पुलिस ने। वो कार जो थी आपका सफ़ेद रंग की सफारी वाहन था, MP17B7777, जो समीम खान के नाम से रजिस्टर्ड था, और पुलिस ने 90 किलो गांजा जब्त करने के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात थाना ला के FIR पंजीबद्ध किया था, और उसका ट्रायल जो है चला विशेष न्यायालय NDPS माननीय केशव सिंह जी के न्यायालय में, और मैं दो मुलजिमों को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोहम्मद समीम खान और लल्लू उर्फ नसीम खान को, इनकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था, और मोबीन खान की ओर से पैरवी कोई और अन्य अधिवक्ता कर रहे थे। तो आज जो है माननीय विशेष न्यायालय NDPS श्री केशव सिंह जी के न्यायालय से समीम खान को और लल्लू उर्फ नसीम खान को NDPS के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। जो तीसरे मुजरिम थे, तीसरे मुलजिम मोबीन खान को 10 वर्ष का कारावास दिया गया है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। उसकी ओर से मैं पैरवी नहीं कर रहा था, उसकी ओर से कोई और अन्य अधिवक्ता थे।